टॉप 10 प्लेसेस इन पुणे। ये तो शनिवार वाड़ा, आगा खां पैलेस, सिंगर, ये भी नहीं है। क्या है, यहाँ पे भी नहीं आ रहा। ये तो बड़ी इम्पोर्टेंट जगह है, दूसरा डाल के देखती हूँ। बेस्ट प्लेसेस इन पुणे, लेट्स सी इधर आता है कि नहीं। ये तो वही आ रहा है, पर ये तो हिस्टोरिकल जगह है, इसको तो आना चाहिए। समथिंग रॉन्ग समवेयर। आई थिंक ऐसा करते हैं, कल चलते हैं पुणे और समझते हैं कि क्या है। आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ये रात का सीन आपको क्यों दिखा रही हूँ। पहली बात, ये रात नहीं है, ये सुबह का है, अभी सवेरा हो गया है। इस वक्त हम हैं पुणे की हेरिटेज मार्केट में, जिसे महात्मा फुले मंडई कहा जाता है। ये पुणे की सबसे बड़ी और पुरानी फल और सब्जी मंडी है। चलिए यहाँ, जनाब क्या नज़ारे हैं। सुबह सुबह सब्जी मंडी में चहलकदमी करने का ना अपना ही मज़ा है। दुकानदार बिजी हैं, स्टॉल्स को सब्जियों से सजाया जा रहा है। क्या खूबसूरत रंग बिरंगी सब्जियाँ हैं, इनको देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। इट्स अ विजुअल डिलाइट फॉर मी। इतनी डेलिकेटली और आर्टिस्टिकली सब्जियों की सजावट को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये दुकानदार किसी आर्टिस्ट से कम नहीं है। क्या रंगों के नज़ारे हैं। अरे वाह, दिखने में बहुत अच्छा दिखता। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। कहाँ से सीखा आपने? हमारे बुजुर्ग थे एक जन, हाँ। उनके बगल में बैठ बैठ के मैं आहिस्ता आहिस्ता सीख गया। बाप रे, ये क्या कड़ी पत्ता है? कड़ी पत्ता है। बहुत बढ़िया। ये भी वी बनाया, बी डब्ल्यू डब्ल्यू, ओके। ये ओके। अरे लेकिन ये जो चाकू रहता ना, हाँ। चाकू को बरोबर यहाँ तक जाना चाहिए, बीच अच्छा, में ओके। ऐसा पूरा तो ओके। निकल जाता, नहीं तो नहीं निकलेगा। ओहो, तो ये एक में दो बन गए। एक में दो बन गए। तो ये बताओ, आप कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं? 1985 85 से। तो आप रहने वाले कहाँ के? यहीं यही के, पुणे के। वाई महाबलेश्वर, बारामती, यहाँ पे येवत के गांव है, okay। सोलापुर हाईवे पे, वहाँ okay से आता है। इस पुरानी इमारत में अभी भी आर्किटेक्चरल ब्यूटी है, एक एंटीक लुक है। इसके डिजाइन में हार्मनी और रिदम का अनुभव हुआ। ये तो था तड़के सवेरे का दिन जो आपने देखा। अब नई सुबह नई उम्मीद के साथ ग्राहकों का आना शुरू हो गया है और इसने मंडई का माहौल ही बदल दिया है। Please,
कबड़ी कांगड़ी कांगड़ी गुड़गांजरे गोल्डन गोल मंडरे। सब्जी मंडी मैनेजमेंट का स्कूल है, आप सीख सकते हैं ब्रांड बिल्डिंग और कस्टमर सर्विस। इनकी चार पीढ़ियां पिछले 100 साल से इसी काम में बहुत खुशी से अपना बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर्स को पहचानती हैं। सब्जी लेने के साथ साथ कुछ आदान प्रदान होता है, यही तो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जो आप कोई ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर या फिर मॉल पर जाकर नहीं मिलता, कोई बातचीत नहीं, दुआ सलाम, मुस्कुराना नहीं, केवल आप ही आप हैं। धीरे धीरे हम कॉन्टेक्टलेस होते जा रहे हैं। इट्स क्वाइट फ्रेश आल्सो। तो आप कितने सालों से ये कर रहे हैं? माइन इज फोर्थ जनरेशन। तो ये कोकोनट आते कहाँ से? एंड दैट कमिंग फ्रॉम द फोर्थ स्टेट, आंध्र कर्नाटक केरल एंड तमिलनाडु। दे आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड दीज आर फ्रॉम कर्नाटक। ओके, सम आर फ्रॉम आंध्र। मंडी का अभी 140 ईयर्स हो गया अभी। हाँ, दिस इज बिल्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, द फर्स्ट नेम वॉज रे मार्केट। ओके, अपनी स्वतंत्रता के बाद इधर महात्मा फुले मार्केट है। उसकी जो रचना है ना, दिस इज लाइक ए लोटस लोटस फ्लावर। या द बीच में जो कड़ा रहता है बड़ा, हाँ, वो बीच में गाय, और बाद में ये नीचे जो आठ कमल के दल रहते हैं, कमल के दल। ओके, वो दल है, एक एक दल में एक एक एटम है। ओके, इसमें देखो सिर्फ कोकोनट, कोकोनट है, सिर्फ कांदा है, बटाटा है, भाजी है, उधर बनाना है। ओके, अच्छा, और उधर फ्रूट्स है। हाँ, फ्रूट्स है, और इधर ये केले पत्ता, केले पत्ता। दिस इज बेसिकली द फर्स्ट मॉल है पुणे का। अरे वाह, मॉल ही है ना? बिल्कुल मॉल है, सबसे बढ़िया मॉल है। हाँ, कि मेरे पास आने वाले जो ग्राहक हैं उनकी भी फोर जनरेशन है। ओह वेरी नाइस। जी नहीं, ओके, वी आर मैन्युफैक्चरिंग दिस मेडिसिन फ्रॉम द कोकोनट शेल। दिस इज यूजफुल इन ऑल सॉर्ट ऑफ स्किन डिजीज, ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्किन डिजीज, ऑल सॉर्ट ऑफ स्किन डिजीज इंक्लूडिंग सोरायसिस। बहुत बढ़िया, ये आयुर्वेदिक मलम है और ये जो है स्किन की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके ऊपर, और ये आप अपनी यूनिट में बनाते हैं पुणे में। वंडरफुल, थैंक यू। मन में कुछ सवाल हैं इसकी हिस्ट्री और आर्किटेक्ट से, तो अब हम मिल रहे हैं बहुत ही प्रख्यात आर्किटेक्ट कपल को, अंजलि और किरण कलमदानी, जिन्होंने बहुत सारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। बहादुर कैलाशवासी वासुदेव बापूजी कॉलेज 1882 to 1895। देर आर 7 रूम्स अराउंड द सेंट्रल हॉल एंड ऑल दीज स्टाइल्स वर ब्रॉट फ्रॉम स्वाप्शा। ईच रूम हैज गॉट अ डिफरेंट स्टाइल। लॉर्ड रे इंडस्ट्रियल म्यूजियम एंड मार्केट, ऐसे नाम था ये बिल्डिंग का। ओके, लॉर्ड रे वॉज द गवर्नर ऑफ मुंबई, सो द बिल्डिंग वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। और हमारे यहाँ सब्जी मंडी तो खुले में आसमान के नीचे, बिकॉज वी एंजॉय द वेदर, लाइट बहुत है। तो सुबह के टाइम में मंडी होती थी, तो ब्रिटिश पीपल उनका ये कॉन्सेप्ट था कि ये मंडी ऐसे बिल्डिंग में होनी चाहिए। तो महात्मा फुले जी ने इनको बहुत मना किया था, वो बोलते थे कि ये जो पैसा है वो थोड़ा विधायक काम के लिए लगाइए, बच्चों को शिक्षा दीजिए, थोड़ा समाज सुधार होना चाहिए, बिकॉज ही वॉज अ रिफॉर्मर। बट ब्रिटिश दे समहाउ मेड दिस मंडई, फोर्स्ड ऑल वेजिटेबल सेलर्स टू गेट इनसाइड द मंडई, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्टेड मंडई। मतलब जो नॉट इज अ वे ऑफ लाइफ फॉर फुलेकर्स, मैं जब यहाँ पे आई देखने के लिए, बहुत सारे लोग जो है सब्जी मंडी बड़े प्राइड के साथ आते हैं। हाँ, आते हैं। तो ये एक इट्स अ प्राइड फॉर फुलेकर्स। और मेरे को ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दी कि मैं भी यहाँ 3 साल से रह रही हूँ, कितनी बार निकली, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि अंदर एक सब्जी मंडी है, एक मंडाई है। और ऐसे ही मुझे लगता है कि काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको ये नहीं मालूम कि एक ये सब्जी मंडी।
और फिर इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, आर्किटेक्ट तो है ही, उसके अलावा बहुत सारा कल्चर और आर्ट भी है। इंटरेस्टिंगली नॉट जस्ट अ चर्च, लेकिन उस जमाने की प्रिज्म जो होती थी, तो प्रिज्म का भी प्लान इसी तरह था। तो मॉडल्स दैट दे हैड, उनके पास जो मॉडल हुआ करते थे वो सारे चर्च के थे। उनके पास आज की तरह तो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ज़्यादा थी नहीं, इसलिए उन्होंने वो मॉडल्स चर्च के मॉडल्स लेके उनको अपने तरीके से मॉडिफाई करके उन्होंने ये सारी बिल्डिंगें बनाई। इस तरह के चर्चेस विक्टोरियन इंग्लैंड में काफ़ी है, चर्चेज या मार्केट्स भी हैं। तो उनके एक्सपीरियंस में जो था वो उन्होंने यहाँ पे आके रिक्रिएट किया। और फिर मैंने कहीं पढ़ा कि यहाँ पर जो है आर्टिस्ट, यहाँ पे आर्ट एग्जीबिशन होती है। पुणे के जो आर्टिस्ट है वो इकट्ठा होके अपनी जो आर्ट, कोई पेंटिंग बनाता है, कोई स्कल्पचर, पॉटरी, ये सब बनाता है, तो उसकी एक आर्ट की मंडी यहाँ छुट्टी के दिन पर थी, जहाँ वेजिटेबल सेलर्स नहीं आते, तो माहौल भी बहुत अच्छा रहता है। पीपल ऑल्सो कम टू बाय द आर्टिफैक्ट्स, लाइक इट इज़ फॉर द एनकरेजमेंट ऑफ आर्टिस्ट एंड इट्स अ वेरी लाइवली एनवायरमेंट दैट टाइम। तो मंडी, ये जो सब्जी मंडी है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट हैज़ बिकम अ कल्चरल सेंटर ऑफ द सिटी, सो पीपल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट फॉर दिस बिल्डिंग। जैसे कि हर कोई त्यौहार आता है तो वो त्यौहार के लिए जो चीज़ें चाहिए खरीदनी वो इसके आसपास ही मिल जाती है, और वो चीज़ें लेने के लिए कई लोग दूर से भी यहाँ आते हैं कि वो यहाँ से ही खरीदनी है वो चीज़ें। यहाँ पर भी वो पीछे वो मंडई का गणपति भी होता है, मंडई गणपति इज अ फेमस वन ऑफ द मराठे गणपति जिसको बोलते हैं ना, वन ऑफ द ऑनर्ड फाइव गणपति ऑफ द सिटी, सो इट इज वन ऑफ देम। इसमें जो है जब से ये हाँ काफ़ी रिपेयर वर्क चला है यहाँ पे, अभी हम लोग 10 साल से इसको रिपेयर कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री दैट इज वन, लाइक वी सॉ द कॉन्ट्रैक्टर, यू नो उसका बहुत कम होता है कि कॉन्ट्रैक्टर की वहाँ पर फोटो लगाई है और उनकी जो उनका कार्यकाल वहाँ पर लिखा है, वो बहुत कम जगह होता है, लेकिन यहाँ पर है। हाँ एंड यू नो देर द होल नेम चेंज, यू नो विच इज इवन इफ इट वॉज द ब्रिटिश टाइम बट दे एक्सेप्टेड द नेम ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर टू बी गिवन एंड द नेम ऑफ अ गवर्नर टू बी रिमूव फ्रॉम देयर, विच इज वेरी यूनिक फॉर द हिस्ट्री एंड शोज हिज पॉपुलैरिटी एंड एक्सेप्टेंस बाय द एस्टैब्लिशमेंट, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कैसा है, लोकल ग्रे बेसाल्ट इज द मेन स्ट्रक्चरल मटीरियल दैट इज यूज्ड फॉर द वॉल्स, but for the decorative aspects like those little flowers that you see at the pinnacle at the eaves and all that, they have used this Porbandar limestone. Then inside for the roofs, the trusses, they have used teak wood. Okay. Yeah, all this wooden roof that you see, even yeah. There's a unique roof inside that hall, yeah. There's a hall there, and it is all used in internal brackets, so there are giant brackets over there which hold that roof together. It's a unique engineering marvel actually. तो एक्चुअली बिल्डिंग इज इन यूज, तो उसका यूज में है तो अच्छी बात है, तो उसकी मरम्मत कर रही है बार बार बस। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर थिंकिंग ऑफ हैविंग अनदर म्यूजियम देयर एंड दे वर वंडरिंग व्हाट टू एक्चुअली शो इन दिस, सो वी वर टेलिंग देम दैट दोज कम्युनिटीज हुज मार्केट्स वर रिप्लेस्ड बाय दिस मार्केट, लेट अस शो पीपल ऑल दैट। बहुत ही अचरज की बात है, महात्मा फूले मंडई पुणे के सेंट्रल प्लेस में है, वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर की दूरी पर ही दगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध, लेकिन कोई आपको नहीं गाइड करता इस हेरिटेज बिल्डिंग के लिए। जबकि शनिवार वाड़ा, दोराबजी, कयानी बेकरी, चितले बंधु, ये सब उसके 3-4 किलोमीटर की ही दूरी पर है। आप यहाँ पर आए, क्वालिटी वेजिटेबल फ्रूट्स खरीदें और इस हेरिटेज बिल्डिंग को एक्सपीरियंस करें। देखिए, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से भी हम सबकी रिक्वेस्ट होगी कि इस महान धरोहर की
रिपेयर करवाएं, रिस्टोर करें। ये सब काम संभव होगा आप लोगों की मदद से। और महात्मा फूले मंडई पुणे की टॉप 10 प्लेसेस में आएगा। आप मुझे ज़रा कमेंट्स करके बताएं, आपने कोई ऐसी सब्जी मंडी देखी है जहाँ पे आर्किटेक्ट हो, हिस्ट्री हो, आर्ट हो, कल्चर हो।